हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग तज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और कोच हूँ। मेरे पास में काफ़ी ऐसे लोग आते हैं कि जो पेट के विकार के मरीज हैं, वो पेट के विकार के तज्ञ के पास में जाके सब पूरी जांच करके आ जाते हैं। बाकी सब डॉक्टरों की तरफ जाएंगे, पूरी जांच करेंगे और उनको कुछ मिलता नहीं। उसमें सब तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है, तपास है, सब नॉर्मल रहती है और जब उनको कुछ मिलता नहीं तो फिर मेरे पास में आते। जब मेरे पास में आते तो इतनी बड़ी फाइल लेके वो मेरे पास में आते। जब पूछा उनको तो क्या होता भाई, आपको तकलीफ क्या है, तो नॉर्मली उनको तकलीफ जो रहती है कि ढकार आती है, एसिडिटी बहुत होती है, छाती में जलन, पेट में जलन, संडा साफ नहीं होना, लेटरिन को साफ नहीं होती, या कुछ लोगों को बार बार लेटरिन जाना पड़ता है, पेट में फुगार, पेट बड़ा हो जाना, फूकना, पेट गैसेस बहुत पेट में होना, फिर ऐसा आना जो है ना, ऐसा ऊपर ऊपर आना, या भूख नहीं लगना, या फिर कभी ज़्यादा भूख लगना। और ज़्यादातर उनको ऐसा लगता है कि भाई खाने की इच्छा तो है मगर खाने के बाद में पेट फूल जाता है, थोड़ा भी खाया तो भी पेट फूल जाता है और काफ़ी एसिडिटी होती है। अब उनको कुछ भी आप, मैं बोलता हूँ उनको कि भाई ये तपास करो, तपास करो, तो पहले बोलते हमारे पास में पूरा तपास किया हुआ है, गैस्ट्रोस्कोपी की हुई है, कोरोनोस्कोपी की हुई है, फिर सोनोग्राफी पेट की हुई है, ब्लड के पूरे इन्वेस्टिगेशन किए हुए हैं, सब तरह का इलाज करने के बाद में भी उनको कुछ भी वहाँ मिलता नहीं है अंदर, और फिर दिमाग का तनाव है इसके लिए फिर मेरे पास में आते हैं। यूजुअली जो पेट के तज्ञ डॉक्टर जो है उनको जो दवा देते हैं वो अल्प्राजोलाम नाम की जो दवा है वो उनको दी जाती है। अभी देखो अल्प्राजोलाम की गोली जो है वो 0.25 मिलीग्राम की मिलती है, 0.25, एक मिलीग्राम भी नहीं, और वो आज टनों से बिकी जा रही है। कारण ही वही है कि अल्प्राजोलाम जो है वो दिमाग का टेंशन कम कर रही है, और ये जो पेट के जो मरीज है, पेट के तकलीफ वाले, उनको अल्प्राजोलाम बहुत बड़े पैमाने पे दी जाती, लिखी जाती है और लेते रहते। मैं जब उनका इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो मालूम पड़ता है कि इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में है। एक तो नौकरी का टेंशन है, सर्विस करते होंगे तो, स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आईटी वाले जो लोग हैं उनको तो बहुत बड़ी तकलीफ रहती है पेट की। जो बैठा काम करते हैं सेठ लोग, गले पे बैठे दिन भर, हिलते नहीं हैं, उनको अनाज पचन नहीं होता, तो उसके लिए भी है, और फिर वहाँ टेंशन बहुत है जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ, या फिर पति पत्नी में कोई संघर्ष है, बॉस से पट्टी नहीं है, कोई कोर्ट केस चालू है, लड़की की शादी हो गई, घर में वापस आ गई, लड़की की शादी हो गई, बहू अच्छी नहीं है, या लड़का बिगड़ गया है, शराब का व्यसन है, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहते हैं कि जो प्रॉब्लम के वजह से दिमाग के ऊपर तनाव है, कोर्ट केस चालू है, पड़ोसी के साथ में केस चालू है, या और कोई तो भी केस चालू है, मतलब ऐसा कुछ तो भी प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, लोन काफ़ी है, कि जिसके वजह से उनके दिमाग के ऊपर तनाव है, टेंशन है, और वो टेंशन के अंदर, वो प्रेशर के अंदर वो जीते हैं, और फिर उसका असर कहीं ना कहीं आ जाता है, और वो असर आता है पेट के ऊपर, मतलब पूरे ये पाचन संस्था है उसके ऊपर असर आता है, और फिर झंडा साफ नहीं होना या बहुत ज़्यादा टॉयलेट लगना, मतलब दोनों भी हो सकता है। तो उनको मैं दवा तो देता हूँ कि जिससे उनका टेंशन कम हो जाएगा, उनको नींद भी अच्छी आने के लिए दवा देता हूँ, क्योंकि यदि नींद अच्छी होगी तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उनको मैं बोलता हूँ कि भाई कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे सोने के पहले आपने खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब उसके पहले खाना खाना जरूरी है, और हल्का हल्का खाना, और अभी टेंशन कम करने के लिए उनको काउंसिलिंग की ज़रूरत होती है। अक्सर मैं पति पत्नी को बुलाता हूँ ताकि उनके घर में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, या फिर जहाँ उनका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के बारे में क्या कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम को पावरफुली कैसे डील करेंगे,
यदि उनकी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं आजू बाजू में, आजू बाजू के लोगों के बारे में, जैसे ऑफिस के बारे में कंप्लेंट है, बॉस के बारे में कंप्लेंट है, कंपनी के बारे में कंप्लेंट है, धंधा है तो धंधे के बारे में कंप्लेंट है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में कंप्लेंट है, कस्टमर के बारे में कंप्लेंट है, तो कौन सी कंप्लेंट है, किस तरह का कंप्लेंट हम टैकल कर सकेंगे, या रिलेटिव्स के बारे में कुछ तो भी चल रहा है, अरे उनके साथ में बातचीत करने पे मालूम पड़ता है कि एक्चुअली सोर्स क्या है। और वो यदि सोर्स के साथ में काम करते हैं तो उनका प्रॉब्लम ही निकल जाता है। काफ़ी सारे लोग काउंसलिंग के सेशन के बाद में या सेल्फ हिप्नोसिस के सेशन जब हम देते हैं उनको कि हिप्नोटाइज करो उनको, एक तो मैं उनको करता हूँ हिप्नोटाइज, हेटरो हिप्नोटिज्म, या फिर उनको सेल्फ हिप्नोटिज्म सिखाता हूँ और रिलैक्स कैसे करना, ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम में रिलैक्स होकर उसका कैसा सामना करना वो उनको सिखाता हूँ, और वो प्रॉब्लम को डील करने के तरीके, ना कि वीक होना, ना कि हतबल होना, या मैं कमज़ोर हूँ, मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ, यहाँ से उसको ऑपरेट करना, यहाँ से ज़िंदगी जीना, उसके बदले कि नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं उसका सामना कर सकता हूँ और जो भी कठिनाई है उसका मैं सामना करूँगा, उसके लिए मैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उनके साथ में बातचीत करता हूँ, तो लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं। देखो आपके संपर्क में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको ऐसी पेट की बीमारी होंगी, और पेट की बीमारी के लिए वो काफ़ी बहुत सारे डॉक्टर विजिट कर चुके होंगे, उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको डेफिनेटली मुझे पक्का मालूम है उनको फ़ायदा हो जाएगा ये वीडियो सुनते ही, उनको शेयर करो, आपको अच्छा लगा आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम एक पावरफुल हिंदुस्तान खड़ा करेंगे, यहाँ कोई मरीज़ नहीं होगा पेट का, यदि ये वीडियो लोग देखते हैं तो पेट की बीमारी निकल जाएगी लोगों की, इतना मुझे पक्का विश्वास है। सो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच।